हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत मुंडा में राजनीतिक दबाव के चलते तोड़े गए गरीब किसान की आवाज को दोबारा बनाने की मांग को लेकर न्याय संघर्ष समिति द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष महापंचायत बुलाई गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महापंचायत को संबोधित करते हुए मास्टर डूंगराम गेदर, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़, डॉक्टर समीर सहारण, कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, भूपेंद्र चौधरी आदि ने कहा कि अपने रिश्तेदारों के अतिक्रमण को बचाने के लिए जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर गरीब ग्रामीणों के पट्टे शुदा व पुश्तैनी मकानों को तुड़वाने की जो कार्रवाई की है वह निंदनीय है। इसे किसी की भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सभी को संगठित होकर इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। यदि आज उक्त गरीब परिवार को न्याय नहीं दिलवाया गया तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं आम बात हो जाएगी, क्योंकि राजनीतिक पहुंच वाले जनप्रतिनिधियों के हौसले बुलंद हो और अपनी राजनीतिक रंजिश के निकलने के लिए ऐसे निंदनीय कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सभी को संगठित होकर ऐसे जनप्रतिनिधियों को मुंह तोड़कर जवाब देना होगा। उन्होंने न्याय नहीं मिलने तक इसी तरह संघर्षरत रहने का आह्वान करते हुए संघर्ष समिति सदस्यों से कहते हुए कहा कि हर संभव सहयोग का भरोसा दिलवाया। संघर्ष समिति संयोजक मनीराम कारगवाल, जसविंदर धारीवाल, एडवोकेट राजेंद्र निमीवाल, कुलदीप सिंह ओलक, जगजीत सिंह जग्गी, बलराज सिंह दानेवालिया, प्रकाश रोज, रघुवीर वर्मा ने डॉक्टर राम प्रताप पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की अवैध कार्यवाहियां किसी भी रूप में सहन नहीं की जा सकती और न ही राजनीतिक दबाव डालकर ऐसी कार्रवाइयां करवाने वाले जनप्रतिनिधि। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोलने का जो कुछ भी प्रयास किया जा रहा है उसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त अवैध कार्रवाई के विरोध में गत 17 दिनों से धरना जारी है, परंतु कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए भी नहीं आया, जिससे साफ पता चलता है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव में हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में इस तरह के जनप्रतिनिधियों को सबक सिखलाने का आह्वान महापंचायत में मौजूद आमजन से किया। सभा के पश्चात कलेक्टर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर जल संसाधन मंत्री का पुतला दहन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर को अनुपस्थिति में संघर्ष समिति सदस्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, जहाँ सुनवाई न करने का अवलाना देने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चौधरी व संघर्ष समिति के सदस्यों में गर्मागर्म बहस भी हुई, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सीट से खड़े होते हुए कहा कि 10 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है और आज से मैं छुट्टी पर हूँ। इसके बाद दोनों पक्षों में तिखी बहस हुई और संघर्ष समिति सदस्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर को खरी खोटी सुनाते हुए चैम्बर से बाहर आए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान कालूराम मेघवाल, बलवंत निमीवाल, पार्षद गणेश बंसल, सुमित रीणवा, कुलदीप सिंह, आर के वर्मा, रामदयाल लिम्बा, मोहनलाल डाल, महावीर प्रसाद, नरेश कुमार, मोहनलाल कारगवाल, लालचंद रामस्वरूप बाचोरिया, दलीप कुमार बसेर, रिंकू भार्गव, कुलवंत सुतार, विनोद गोदारा आदि मौजूद थे। हनुमानगढ़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।